Assalamu alaikum, dear student. I am Sayyed Arbaab Fatima. We are doing chapter number 12, angle in a segment of a circle, grade 10th. Today we are going to prove an example. So let's move towards the light board. The radius of a circle is 2 cm. Yes, student, in this example, we have to prove this statement. First, we have to understand it, then we will prove. Okay. अब हमारे पास जो सर्कल है उसका जो रेडियस गिवन है वो कितना है स्टूडेंट, वो हमें है 2 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है. ओके, दिस इज अंडर रूट 2 सेंटीमीटर एंड अ कॉर्ड इज 2 सेंटीमीटर इन लेंथ. इसका मतलब है कि हमारे पास रेडियस है अंडर रूट 2 और कॉर्ड है 2 सेंटीमीटर. डिवाइड द सर्कल इंटू 2 सेगमेंट्स. कितने सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 2 सेगमेंट्स में स्टूडेंट. तो हमें पता है सेगमेंट क्या होती है. यस स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखेंगे सेगमेंट क्या होती है. तो सेगमेंट स्टूडेंट हमेशा याद रखें वो पोर्शन है जो कि बाउंड होता है सर्कल का किससे, एक कॉर्ड से और एक आर्क से. तो यहाँ पर हम एक ड्रॉ करते हैं सर्कल. अब इस सर्कल में देखें स्टूडेंट, लेट्स सपोज मैं ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से ये कॉर्ड. अब ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड से मेरे पास हमारे दो हम देख सकते हैं कि पोर्शंस बाउंड हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन. लेट्स सपोज दिस इज पी क्यू कॉर्ड. अब कॉर्ड और आर्क से जो एरिया बाउंड होगा, जो पोर्शन बाउंड होगा वो कहलाएगा सेगमेंट. सो दिस इज द सेगमेंट, बट वी कैन सी हियर दिस इज आल्सो अ सेगमेंट. ये भी सेगमेंट है और ये भी क्या है स्टूडेंट, सेगमेंट है. तो ये हमारे पास कौन से सेगमेंट है, ये हमारे पास सेगमेंट है माइनर सेगमेंट और ये कौन से सेगमेंट है स्टूडेंट, ये हमारे पास है मेजर सेगमेंट. सो दिस वन इज द माइनर सेगमेंट एंड दिस वन इज द मेजर सेगमेंट. तो हमने रिकॉल कर लिया कि हमारे पास कौन कौन से होते हैं. अब देखिए क्योंकि ये माइनर आर्क से मिलके बन रही है तो ये माइनर हमारे पास सेगमेंट है, क्योंकि मेजर आर्क से मिलके बन रही है तो ये क्या है, मेजर सेगमेंट है. तो आई होप कि सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि यहाँ पर बेसिकली सर्कल को डिवाइड कर रहा है 2 सेगमेंट में. तो वो देख सकते हैं एक सेगमेंट है हमारे पास ये और एक सेगमेंट स्टूडेंट हमें नज़र आ रही है ये. अब हमें प्रूफ क्या करना है उसको देखते हैं. प्रूफ दैट द एंगल ऑफ लार्जर सेगमेंट इज 45. अब हमने ये देखना है कि हम बात कर रहे हैं लार्जर सेगमेंट की और उसका एंगल क्या प्रूफ करना है. उसका एंगल प्रूफ करना है हमने कि वो क्या है, वो 45 है स्टूडेंट्स. ये हम चीज़ प्रूफ करेंगे यहाँ पर. इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि लार्जर सेगमेंट कौन सी है. ए सी बी इज़ द लार्जर सेगमेंट और हमने प्रूफ ये करना है कि लार्जर सेगमेंट पे कोई अगर एंगल बनता है तो वो एंगल क्या होगा, 45 डिग्री. सो बेसिकली हमें ए सी बी को प्रूफ करना है कि वो 45 डिग्री है. तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो जो कि कॉर्ड है हमारे पास इस तरह, उसको हमने ज्वाइन कर दिया सेंटर के साथ. क्यों, क्योंकि हमारा जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, रेडियस की लेंथ क्या है अंडर रूट 2, कॉर्ड की लेंथ क्या है हमारे पास 2, तो ये अंडर रूट 2 है और ये क्या है 2. और तो जाहिर सी बात है ये अगर हमारे पास रेडियस की लेंथ है तो ये भी रेडियस की लेंथ है, या कोई जितनी मर्जी हम ड्रॉ करेंगे वो रेडियस की लेंथ सेम रहेंगी. तो इसलिए ये भी अंडर रूट 2 हो गया और ये भी हो गया अंडर रूट 2. तो सबसे पहले तो मैं अपने गिवन प्रूव और जो हमने कंस्ट्रक्शन की उसे करती हूँ मेंशन, फिर एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से हम इस थ्योरम को करने जा रहे हैं प्रूव. सो आई एम गोइंग टू राइट द गिवन ओवर हियर. अब गिवन में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक सर्कल है जिसमें हमें बता दिया गया है कि सेंटर उसका है ओ और ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है हमारे पास. तो यहाँ पे करते हैं मेंशन इन अ सर्कल. In a circle with center O. Center O क्या हमारे पास आ गया, O आ गया बेसिकली सेंटर. एंड रेडियस को यहाँ पर कर देंगे मैंशन मैयर ओ ए इक्वल्स टू मैयर ओ बी. वो किसके इक्वल है, अंडर रूट 2 सेंटीमीटर्स के. ओके, उसके बाद हमें और क्या चीज़ इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे स्टूडेंट. द लेंथ
ऑफ द कॉर्ड. स्टूडेंट यहां पर हम कॉर्ड के बारे में बताने लगे जिसकी लेंथ क्या है. द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 2 सेंटीमीटर्स. और हमने क्या बताना है, डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करती है, डिवाइड्स द सर्कल इनटू, डिवाइड्स द सर्कल इनटू सेगमेंट्स. अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास एक कॉर्ड की वजह से 2 सेगमेंट्स आ जाती हैं. एक हमारे पास माइनर होती है और एक होती है मेजर. और हम ऑब्वियसली लार्जर वाली लेकर चले हैं तो हम बात कर रहे हैं, ये लार्जर आर्क है और उसी की हम अगर हम सेगमेंट की बात करेंगे तो सेगमेंट भी हमारे पास होगा, मेजर सेगमेंट होगी. बेसिकली 2 सेगमेंट्स होंगी हमारे पास, डिवाइड द सर्कल इंटू 2 सेगमेंट्स. और उन सेगमेंट्स में हम बता देंगे कि कौन सी वाली हमारे पास है लार्जर, विद ए सी बी एज द लार्जर वन. यहाँ पर ये आ गया हमारे पास गिवन स्टूडेंट्स. अब मैं राइट करने लगी हूँ कि हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है. टू प्रूफ, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है, मेयर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 45 डिग्री. ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया है, उसको मैं करने जा रही हूँ मेंशन. कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन ऐसे हमने बहुत ज्यादा नहीं किया, हमने ओ को ज्वाइन कर दिया ए के साथ और बी के साथ. ज्वाइन join O with A and O with B. ये आ गया हमारे पास given. यहाँ पे जो हमने proof करना है वो mention कर दिया. ये क्या आ गया student, construction आ गई है. अब हम चलते हैं अपने proof की तरफ. अब मैं आपको बताती हूँ कि basically हम इसको कैसे proof करने जा रहे हैं. पहले इसको चीज़ को कर लेते हैं understand. अब देख सकते हैं स्टूडेंट जैसे हमने O को A और B के साथ join किया है तो हमें एक triangle नज़र आ रहा है. triangle कुछ ऐसे है जो कि हमारे center को touch करते हुए उस पर हमारे पास आ रही हैं 2 line segments जो कि शो करेंगी radius को, और एक जो है जो कि शो कर रही है chord को. हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूफ करना है, मतलब हम देखेंगे और बेसिकली प्रूफ भी कर लेंगे कि चेक करेंगे क्या ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है या नहीं. क्यों, हमारे पास स्टूडेंट एक रिजल्ट है जो कि सर्कम एंगल और सेंट्रल एंगल के दरमियान में रिलेशन को करता है शो. तो अगर मैं इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए इस एंगल पे मैं प्रूफ कर दूं कि ये एंगल 90 डिग्री है तो वो कैसे प्रूफ करूँगी. उसके लिए मुझे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल है. वो प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी पिथागोरस थ्योरम को. पिथागोरस थ्योरम चेक करेंगे राइट हैंड साइड क्या लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ रही है. अगर आ रही है तो हमारे पास 90 डिग्री एंगल आ जाएगा. जैसे यहाँ पर 90 डिग्री एंगल आ जाएगा, हमें पता है जो सेंट्रल एंगल है वो सर्कम एंगल का क्या होता है, डबल, या सर्कम एंगल सेंट्रल एंगल का क्या है, हाफ. तो 90 का हाफ क्या होता है, 45 डिग्री होता है. तो उससे हम आसानी से ये प्रूफ कर देंगे कि हमारे पास एंगल है वो है 45 डिग्री. तो अब यहां पर करते हैं इसको स्टार्ट. स्टेटमेंट एंड द रीजंस. ओके, ये स्टेटमेंट और उसके रीजन मैंने यहाँ पे अब करने लगी हूँ राइट. अब देखें जिससे हम, जैसे मैंने आपको बताया उसी पॉइंट से हम करने जा रहे हैं अपने डिस्कशन को स्टार्ट. इन ट्राइंगल ए ओ बी, अब ए ओ बी ट्राइंगल में स्टूडेंट हम बता देंगे कि ओ ए और ओ बी किसके इक्वल है. ओ एक्वल्स टू मैयर ओ बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 सेंटीमीटर. तो अब मैं क्या करने लगी हूँ स्टूडेंट, अब इस ट्राइंगल ए ओ बी में अप्लाई करने लगी हूँ पिथागोरस थ्योरम को. अब देखें प्रूफ क्या करना है, बेसिकली प्रूफ ये हमने करना है कि राइट ट्रायंगल में होता क्या है. राइट ट्रायंगल में हम ये कहते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, और बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो बेसिकली इस रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि 2 साइड का स्क्वायर लेके उनको हम करते हैं ऐड,
अगर वो तीसरे साइड के स्केयर के इक्वल आ जाए तो हम कह देते हैं वो बेसिकली सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को, किसकी, पिथागोरस थ्योरम को, उसका मतलब है कि ये है एक राइट ट्रायंगल। तो इसी को मैं साइड्स को यहाँ पर करने लगी हूँ, दो साइड्स को आपस उनका स्केयर लेकर उनको ऐड और देखूंगी क्या वो थर्ड साइड के स्केयर के इक्वल आती है या नहीं। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं यहाँ से, ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर इक्वल्स टू, ओ ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारे पास, ओ ए और ओ बी की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है अंडर रूट टू, अंडर रूट टू स्केयर प्लस अंडर रूट टू स्केयर इक्वल्स टू, स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू, यहाँ पे भी टू और यहाँ पर आ गया फोर, फोर को मैं लिख सकती हूँ टू का स्केयर। तो यहाँ पर देखें हमें पता है कि हमारे पास ए बी की लेंथ क्या है, उसको पहले मैं मेंशन करती हूँ, हमें गिवन है कि मैयर ए बी क्या है टू सेंटीमीटर्स है। तो यहाँ पर मैं, ये टू का स्केयर है तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ए बी स्केयर। तो हमें कंडीशन यहाँ पे मिल गई, हमने देखा कि हमने दो साइड ही उनको स्केयर करके उनको सम किया, वो थर्ड साइड के स्केयर के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब है कि ए ओ बी कौन सा ट्रायंगल है, ए ओ बी है एक राइट ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, ये हमने मेंशन कर दिया है। अब देखें स्टूडेंट, अब क्योंकि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि मैंने कहा था सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल के रिलेशन को हम यहाँ पर करेंगे यूज और कर देंगे अप्लाई, तो वही मैं करने जा रही हूँ कुछ इस तरीके से। पहले तो हम मेंशन कर देते हैं किस वर्टेक्स पे या कहाँ पर हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है, विद एंगल किस वर्टेक्स पे बन रहा है, बेसिकली हमें ये बताना है ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 90 डिग्री अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी कि बेसिकली जो हमारे पास एंगल है किस और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच बीइंग अ सेंट्रल एंगल विच बीइंग अ सेंट्रल एंगल, ये कौन सा एंगल बन रहा है, सेंट्रल एंगल बन रहा है स्टैंडिंग ऑन आर्क ए बी, स्टैंडिंग ऑन आर्क ए बी, ए बी आर्क पे हमने देखा कि ये हमारे पास क्या आ गई है, ये आ गया है सेंट्रल एंगल। ओके, अगर ये सेंट्रल एंगल है तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर करने जा रही हूँ यूज जो कि मैंने आपको बताया था। मैं यहाँ पर कर दूंगी मेंशन स्टूडेंट, देन आई कैन राइट इट एज ए सी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर एंगल ए ओ बी, रीजन में बता देंगे बाय थ्योरम वन, बाय थ्योरम वन। ओके, अब देखें हमें पता ही एंगल क्या है, ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का हाफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाफ ऑफ 90 डिग्री विल बी 45। तो यही हमने यहां पर करना था मेंशन, मेयर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, यही चीज़ प्रूफ करनी थी हमने। और अब मैं इसका रीज़न लिखने जा रही हूँ यहाँ पर, सर्कम एंगल इज द हाफ, सर्कम एंगल इज द हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। यस स्टूडेंट, वी हैव डन विद दिस प्रूफ, हमने इसको प्रूफ कर दिया है कि जो हमारे पास लार्जर सेगमेंट थी और जो एंगल बना रही थी वो 45 डिग्री है। हमने देखा कि हमने किस तरीके से अपने फर्स्ट थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज किया। तो
अब सुन, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल को इक्वल हम कहते हैं कि वो है बेसिकली इक्वल किसके, डबल ऑफ सरकम एंगल के, या अगर मैं सरकम एंगल को डिफाइन करना चाहूँ, सरकम एंगल है हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल के. अब ये दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट थ्योरम की ही हैं, तो हम ये जो अभी हमने यूज़ किया उसको यूज़ कर लें, या जो हमने थ्योरम में एग्जैक्टली लर्न की थी उसको यूज़ कर लें, दोनों का मतलब सेम है. आई होप कि जिस तरीके से हमने इसे प्रूव किया है वो सारे पॉइंट्स हैं क्लियर. दैट्स इट. ये स्टूडेंट, आज की एग्जांपल में हमने देखा कि किस तरीके से हमने पहले ट्रायंगल को प्रूव किया कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर उस पर हमने स्टेटमेंट को अप्लाई करके देखा फर्स्ट थ्योरम की. अब स्टूडेंट, हमने यहाँ पर क्या कंक्लूड किया था, हमने ये कंक्लूड कर लिया था कि अगर मैं कहूँ कि सेंट्रल एंगल डबल है सरकम एंगल का, या सरकम एंगल के रेफरेंस से बात करूँ तो सरकम एंगल हमारे पास हाफ है सेंट्रल एंगल का, तो दोनों ही स्टेटमेंट की जा सकती हैं यूज़. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.